विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को सीएमओ कार्यालय से जन जागरण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएमओ सहित अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर जन जागरूकता का संकल्प लिया। इस रैली में अयोध्या दास कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं और किन्नर समाज के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार सिर्फ रक्त और यौन संपर्क से होता है। इस बीमारी के मरीज के साथ रहने में कोई खतरा नहीं है। लोगों को एड्स मरीजों के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ सामान्य जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक भ्रांतियां हैं, इस कारण लोग मरीजों के साथ भेदभाव करते हैं। समाज में इन भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना होगा तथा लोगों को बताना होगा कि एड्स के मरीज के साथ बैठने, सामान्य मेल मिलाप, हाथ मिलाने एवं एक ही बर्तन में खाना खाने और पानी पीने, मच्छर या खटमल के काटने से, एक दूसरे का कपड़ा एवं एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से, एक साथ खेलने से तथा एक ही तरण ताल में नहाने से तथा खांसने और छींकने से तथा किसी प्रकार का आदान प्रदान से और मिलने से एड्स नहीं होता है। उन्होंने कहा कि HIV से एड्स की अवस्था में पहुँचने में 5 से 10 साल तक का समय लग जाता है। इस बीच समय से लक्षणों की पहचान कर दवाओं के नियमित सेवन, डॉक्टरी सलाह और खुद की देखभाल से इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में 5,290 HIV संक्रमित मरीज दवा लेकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। इनमें से 380 बच्चे हैं तथा कुल 22 HIV संक्रमित गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके सुरक्षित प्रसव के इंतजाम किए जा रहे हैं। TB मरीज के HIV ग्रसित होने की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए प्रत्येक TB मरीज की HIV जांच कराई जाती है। इस अवसर पर एडिशनल CMO डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी एवं छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर एकता एवं CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं होना चाहिए। HIV के साथ जीने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान के साथ अधिकार मिलना चाहिए। एड्स का ज्ञान बढ़ाए जान, 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 HIV की जानकारी बनाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने ठाना है,
नमस्कार, मेरा नाम एकता है, मैं एकता सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ। और आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पे हम इक्वालिटी की थीम के साथ हम लोग आज रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारा एक उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति हैं जो HIV से पीड़ित हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिनको लैंगिक भेदभाव मिलता है, उन सभी लोगों के साथ में समानता का व्यवहार हो। आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, आज 2022 दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है, हम 23 में जाने वाले हैं, और आज यही हम बात कर रहे हैं, यही आशा कर रहे हैं कि इक्वालिटी का जो माहौल है वो सब तरफ बने, कोई भी किसी से भेदभाव ना करे। HIV आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे बीच में है, और HIV की ऐसी जो, जैसा कि CMO सर बता भी रहे थे कि HIV कभी भी किसी के छूने मिलने साथ रहने से नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी इस बीमारी की वजह से लोगों के साथ भेदभाव होता है और उनको घुटन और तनाव की वजह से वो आत्महत्या तक करते हैं। तो ऐसी बीमारी को महामारी बनाने में जो भेदभाव था वो सबसे बड़ा कारण था, और आज हम उसी थीम के साथ बात कर रहे हैं, इक्वालिटी, समानता और एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। HIV ऐसा नहीं है कि HIV किसी को छूने से फैलता है, तो हमें बस यही संदेश देना है कि ना किसी के साथ बीमारी की वजह से भेदभाव हो, ना किसी को लैंगिक भेदभाव हो। किन्नर समुदाय का नेतृत्व करते हुए मैं किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य, एकता सेवा संस्थान के अध्यक्ष, मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी समाज के लोग हैं उनको ये जागरूक होना चाहिए कि HIV किसी के साथ छूने से नहीं फैलता है, और HIV का मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई कह सकते हैं कि कैरेक्टर खराब है, क्योंकि चारित्रिक जो भेदभाव बनता है इस बीमारी की वजह से वो गलत है। HIV किसी भी कारण से हो सकता है, वो संक्रमित सुई, संक्रमित सीनिंग, संक्रमित माँ से, या कभी किसी संक्रमित ब्लड के सड़ जाने से, या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। लेकिन जो भी समाज में भावनाएँ बनती हैं लोगों की, वो ये समझते हैं कि HIV सिर्फ यौन संबंध बनाने से होता है, लेकिन इसके और भी कारण हैं जिसको हमें समझना होगा, और किसी के भी चारित्रिक भेदभाव को नहीं करना चाहिए। HIV एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ब्लड के सर्कुलेशन फैलती है, ना कि छूने से। तो भेदभाव को छोड़ें, समानता लें, और सभी को एक साथ चलें और सबको एक साथ समझें। थैंक यू। देखिए, आज एड्स जागरूकता दिवस है, आज विश्व एड्स दिवस है। आप लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के अंदर जो है एड्स के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन का चयन किया है, जिससे कि इस दिन जो है एक थीम दी जाती है, समानता और सम्मान इस वर्ष की थीम है। और एड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एड्स की जानकारी ही हमारा बचाव होता है। एड्स किसी को छूने से नहीं होता है, एड्स बेसिकली तब होता है जब हम संक्रमित इंजेक्शंस लेते हैं, या संक्रमित माँ से बच्चों में जाता है, या संक्रमित रक्त चढ़ाया जाता है, या कोई ऑपरेशन प्रोसीजर्स हमारे संक्रमित इंस्ट्रूमेंट से हो जाते हैं, और या तो हमारा जो होता है यौन से होता है, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क करते हैं। तो ये सब जानकारियों के लिए आज का दिन पूरा समर्पित होता है कि लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, और जिससे कि, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और जिसके कारण जो है हमें तरह तरह की वो बीमारियाँ जो हमारे शरीर में हमेशा रहती हैं वो बीमारी बना लेती हैं। और इसी के कारण जो होते हैं आजकल, जैसे देखा जाता है कि टीबी की वजह से एड्स के ज़्यादातर मरीज टीबी की वजह से मरते हैं। टीबी HIV को बढ़ा देती है, HIV टीबी को बढ़ा देती है, इसी के कारण जो होता है, और इसी प्रकार की अन्य और तरह तरह के कैंसर्स कर देते हैं। गोरखपुर जनपद में अगर हम बात करते हैं तो 5200 से ज़्यादा HIV के केसेज हैं, 22 गर्भवती माताएँ HIV से संक्रमित हैं, करीब 400 बच्चे जो हैं HIV से संक्रमित हैं, और हमारे पास 60 से ज़्यादा TB के मरीज हैं जो HIV से संक्रमित हैं उनका। इसी उपलक्ष्य में आज जो है हमारा विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के साथ मिलकर के, DTO साहब के साथ मिलकर के, तथा न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर के, हम लोगों ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और सच में हम लोगों का यही एक सपना है HIV एड्स मुक्त हो गोरखपुर अपना। इसी संकल्प के साथ हम लोग जो है आज इस सभा का आयोजन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में तरह तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसको हमारे DTO साहब और हमारा ये न्यू हेल्प इंडिया फाउंडेशन के सदस्य इसमें लेकर के करेंगे, और आम लोगों के और भी गोरखपुर के जो NGOs हैं वो सारे NGO स्कूलों में रैली की जाएगी, निबंध प्रतियोगिता होगी, और NGO के द्वारा जगह जगह पर जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों के बीच में चौराहों पर जो है जागरूकता
की जाएगी जो हमारे अदर एनजीओ हैं, शाम में कैंडल मार्च भी करेंगे और एकता की तरफ। और इसी के क्रम में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, उसका किया। बाकी विस्तृत चर्चा जो है हमारे डीटीओ साहब आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। और इस कार्यक्रम की सफलता से ही हम लोग जो है एड्स से गोरखपुर को मुक्त बनाएंगे। ये हम लोग सभी लोगों का, यहाँ पर जितना उपस्थित जनसमुदाय लगभग जो 1000 के आसपास है, सबका संकल्प यही है। और सब लोग एक न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे, घर घर ये संदेश बढ़ाएंगे, एड्स के रोगी से घृणा नहीं करना चाहिए, हमें एड्स से घृणा करना चाहिए। एड्स के रोगी जो होते हैं ये घृणा के पात्र नहीं होते, इनको चिन्हित कीजिए, इनकी जाँच कराइए। राजकीय चिकित्सालयों में इसकी निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं और तरह तरह के जो हैं इनकी जांचें होती हैं। और इनको जो है लाइफ में सपोर्ट के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जो डीटीओ साहब के नेतृत्व में पूरे गोरखपुर में चलाई जाती हैं। और ये हमारे जितने भी एनजीओज हैं सब उसमें तरह तरह से हेल्प करते हैं कि एड्स का मरीज का जीवन कैसे सफल हो, कैसे वो सकारात्मक हो, कैसे वो समाज की मुख्य धारा में आवे। उसमें हमारे इन एनजीओज के जो सदस्य हमारे साथ खड़े हैं इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और आज सभी लोगों ने हमारे इस रैली का हिस्सा बने, इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं। सजग रहें, सतर्क रहें, सजगता ही, जागरूकता ही एड्स से बचाव करती है। धन्यवाद।